अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। तो आज इस तरह के हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि जॉब किस तरह सर्च करनी है यूएई में, क्योंकि यूएई की रिलेटेड हम लोग सीरीज़ बना रहे हैं कि किस तरह आप दुबई में आते हैं यूएई में और कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू आप यहाँ पे जॉब्स अप्लाई करते हैं और जॉब सर्च करते हैं। हमारे साथ जिस तरह के जानते हैं आप सना भाई हैं, आजकल तो काफ़ी ज़्यादा टाइम ये दे रहे हैं हमें, इनका शुक्रिया अदा करते हैं और ये फुल सीरीज़ में ये हमारे साथ रहेंगे एंड तक। जी सना भाई, ऑडियंस को थोड़ा सा आपने इंटरेक्ट करना है कि क्या क्या प्रोसेस हैं, क्योंकि आप माशाल्लाह यहाँ पे जॉब भी कर रहे हैं और किन किन प्रोसेस के थ्रू गुजर के आपको जॉब मिली है। तो ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स करती है हमारी जो वीडियोज़ हैं ना इस सीरीज़ की हमने स्टार्ट की हैं, तो उसके रिलेटेड थोड़ा सा बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। तो जैसे अली भाई ने आपको बता दिया आज का टॉपिक हमारा किस रिलेटेड है, तो अभी हम ये वीडियो यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि कोई भी आदमी है वो यूएई में विजिट वीज़ा पे इंटर हो गया, ऑलरेडी आ चुके हैं, तो उससे आगे उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी। तो जब आप यूएई में आ जाते हैं, आपकी फ़्लाइट आप आ गए एयरपोर्ट से, तो उसके बाद फर्स्ट स्टेप आपका ये होता है कि आपकी अकोमोडेशन कहाँ होगी। सही है। तो मज़ीद आपने भाई रहना किधर है जी जी, तो उसमें सबसे बेहतर आपको ये प्रेफर हम बताएंगे चीज़ें कि आपको ऐसी जगह देखनी चाहिए जहाँ लोकल ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो। सही है। क्योंकि यूएई में आपने ट्रैवल करना है कोई जॉब सर्च, अगर फिजिकली भी जाके रिज्यूम अपनी आप देना चाहें तो आपको ट्रैवल करना है। बिल्कुल। सेकंड, आपको कोई इंटरव्यू वगैरह आएगा तो उसके लिए भी आपको फिजिकली जाना होगा इंटरव्यू देने के लिए। तो सबसे बेहतर यही होता है कि आप ऐसी जगह ढूंढें जहाँ आपको लोकल ट्रांसपोर्ट जहाँ अवेलेबल हो। तो यहाँ बसेस वगैरह आरटीओ बसेस चलती हैं, यहाँ मेट्रो है, तो दुबई में लोकल ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी है। सना भाई, ये लोकल ट्रांसपोर्ट, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट है या कोई थर्ड पार्टी है, ये भी ताकि ऑडियंस के जहन में हो जिस तरह हमारी कंट्री में है, क्योंकि लोकल ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट ऑपरेट नहीं कर रही। नहीं, तो ये भी थोड़ा सा बताएं कि इधर बाय गवर्नमेंट है या इधर जो ट्रांसपोर्ट है वो गवर्नमेंट के अंडर ही है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है आरटीए। अच्छा अच्छा, तो वो उनके अंडर है, उसमें कोई मसला नहीं है। तो इसका मतलब फेयर्स भी उनके मुनासिब ही होंगे जी। फेयर्स अगर सबसे कम 3 दिरहम है, ओके, और थोड़ा सा आपका जो मीडियम से ट्रैवल हो या थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, 5 दिरहम एक साइड का है, ओके, तो फेयर्स ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है। टैक्सी एक्सपेंसिव है, तो टैक्सी डेफिनेटली स्टार्ट में आप कोई इतना यूज़ नहीं करेगा, ठीक है, तो बसेस वगैरह यूज़ करते हैं। तो आपको जो यहाँ बेडिंग स्पेस जो है मिल जाती है वो तकरीबन आप 400 से 450 दिरहम तक माइंड में रखें। सही। तो उसमें जो है खाना इंक्लूड नहीं होता, खाना सेपरेट होता है। ओके, खाना अलग है, तो उसके भी इतने ही पैसे हैं। खाने के 300-350 तक आप मैनेज कर सकते हैं, इतना इशू नहीं है। तो आपको अगर ट्रांसपोर्ट जहाँ करीब मिले, वो लोकेशन जो है वो इंटरनेशनल सिटी है, इंटरनेशनल सिटी में काफ़ी अच्छी बेडिंग स्पेस मिल जाती है। सही है। या मेट्रो स्टेशन है डेरा में, डेरा वाली जो लोकेशन है वो भी सही है। इसी तरह सतवा है, सतवा में भी काफ़ी अकोमोडेशन वगैरह है। तो इस तरह काफ़ी लोकेशन है जो आपको मिल सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। तो इस तरह आपकी ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, साथ आपका जो खाना है वो भी हमने बता दिया। उसके बाद जो मेन आपका मेन चीज़ आती है वो ये है कि आपने जॉब सर्च कैसे करनी है, स्टार्ट कैसे करना है। तो उसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मोस्टली यहाँ ऑनलाइन ही जॉब फाइंड की जाती है। फिजिकली जाके रिज्यूम देना कोई इतना ज़्यादा यहाँ जो है ना बेहतर ऑप्शन नहीं है। मोस्टली आप बाहर निकलेंगे, आपको कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपको मज़ीद अच्छा गाइड कर सकते हैं, कोई नई चीज़ बता सकते हैं, कोई रेफरेंस बन सकता है। रेफरेंस भी यहाँ चलते हैं जरा, वो बात भी है, कोई इशू नहीं है। अच्छा। लेकिन ये है कि आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज़्यादा जो है उस पर टाइम देना है। तो लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप लिंक्डइन पे जॉब सर्च कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें वहाँ से मिल सकती हैं। तो वहाँ आप अपने कनेक्शन बनाएं, वहाँ आप फाइंड, वहाँ आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है रिक्रूटर होते हैं उनसे डायरेक्ट आपकी रीच हो सकती है, आपके पोर्टफोलियो होते हैं, पोर्टफोलियो आप उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बना के उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, उनको अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हैं। सही है। तो एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। तो फर्स्ट ये ट्राई करेंगे पाकिस्तान से आने से पहले लिंक्डइन पे 500+ अपने कनेक्शन बना लें, और ये कोशिश करें जो अपने फील्ड के लोग हैं जस्ट उनको ऐड करें।
तो ये एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, तो आप इस पे अपने फील्ड के लोगों को ऐड करें तो 500 प्लस जब आपके कनेक्शन हो जाएंगे तो एक अच्छा प्रोफाइल आपको बेनिफिट इन लोगों को यहाँ पे आके होगा जी। जब आप इधर आ जाएंगे उस पे जब अप्लाई करेंगे तो आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इस तरह Indeed.com भी है, Indeed पे भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है मेरे ख्याल से। सुनो ये नौकरी का सबसे बेस्ट कौन सी ऐप है यहाँ पे देखा जाए तो? गल्फ नौकरी है, Indeed है, LinkedIn है, तो इसमें से कौन सी आप प्रेफर करेंगे? इस तरह सबसे बेस्ट मतलब आप LinkedIn को एक अच्छी रैंकिंग दे सकते हैं क्योंकि उधर वो टॉप पे है, टॉप पे है। Indeed भी सही है, नौकरी गल्फ है, Beth.com है। ओके जी अली भाई, आप थोड़ा नाजरीन को बताएं आपके माइंड में क्या पॉइंट्स हैं जो हेल्पफुल हो। जी सुना भाई, बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल अच्छे पॉइंट्स बताए हैं जो कि ऑडियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा जो भी ऑडियंस ये वीडियो देख रहे हैं कि अगर आपको कोई भी कॉल आती है इंटरव्यू के लिए, आप मस्ट जाएं, इंटरव्यू लाजमी दें क्योंकि इस तरह आपका एक्सपीरियंस होगा, आपको नई जगह पर आपका इंटरव्यूज होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। तो यही कहूँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने अक्सर सना भाई लोग देखे हैं, वो कहते हैं यार ये इंटरव्यू के लिए कॉल आई है लेकिन ये काफ़ी दूर है लोकेशन, वो बचत के चक्करों में इंटरव्यू देने नहीं जाते और फिर बाद में कहते हैं कि यार वो जॉब नहीं मिल रही। इंटरव्यू मस्ट जाएंगे, ये नहीं कहते कि हम के दूर है तो ना जाएं, एक दिन के लिए आप टैक्सी करवा सकते हैं क्योंकि कॉल्स आपको डेली डेली नहीं आनी, ये बाई चांस आती है और लक भी आपकी बड़ी मैटर करती है। हो सकता है कि आप अप्लाई करते फ़ौरन कॉल आ जाए इंटरव्यू के लिए, या कई दफ़ा महीने बाद भी आती है या काफ़ी टाइम लग जाता है। जी सना भाई जी, इसी तरह ही है। तो नाजरीन हम उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी, तो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मज़ीद आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, हम उसी पर आपके लिए आसानी के लिए वीडियो बना देंगे। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो या डिस्कशन पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और शेयर करें। आज के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।